हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डिवीजन मेथड। पहले आपने फैक्टर ट्री मेथड किया था, अब हम सीखेंगे डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में क्या होता है कि हम जिस नंबर के हमें फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, हम उस नंबर को छोटे से छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं। छोटे से छोटे मीन्स जिससे वो डिवाइड हो सके हम उसे डिवाइड करते हैं कि वो रिमाइंडर उसका ज़ीरो आए। तो देखिए, जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है 45, तो 45 के हमें फैक्टर्स करने हैं डिवीजन मेथड से। डिवीजन मेथड देखो कैसे होता है। अब 45 है, हम उसको छोटा सा छोटा प्राइम नंबर, अब हमारे पास छोटा प्राइम नंबर तो 2 होता है, बट 2 से क्या 45 डिवाइड होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इसके लास्ट में 2, 4, 6, 8, 0 नहीं है, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये 3 से होगा। 3 से क्यों होगा? क्योंकि हम 3 को, अगर हम इन दोनों को नंबर्स को ऐड करें तो वो 3 के टेबल में आता है ना, जैसे 4 एंड 5 9, 9, तो 3 के टेबल में आता है, इसलिए ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब इसको 3 से अगर डिवाइड करें तो क्या आता है हमारा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो हमारा क्या आ जाता है, 15 हमारा क्वेश्चन आता है। तो अगर हम 45 को 3 से डिवाइड करें तो हमारा क्या आंसर आएगा, 15। फिर अब 15 आ गया, 15 को फिर हम 3 से डिवाइड करेंगे। छोटे से छोटे नंबर से हमें डिवाइड करना है जिसके टेबल में वो चला जाए। अब 15 3 के टेबल में आता है तो यहाँ पे आ गया हमारा 5। अब 5 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो आ गया 1, तो ये हमारा 1 आ गया। ऐसे हमने डिवाइड करना है उस नंबर को कि लास्ट में हमारा 1 बच जाए, ठीक है। अब जैसे इसके अब फैक्टर्स क्या हो गए जिससे हमने डिवाइड किया है, ये 3 × 3 × 5, ठीक है। तो ये इसके प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए। ये होता है हमारा डिवीजन मेथड। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, हमने लिया 12 को डिवाइड करके हम करेंगे, तो 12 तो अब हमारा पीछे इसके 2 है, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो उसे हम पहले 2 से डिवाइड करेंगे। 2 के टेबल में 12 कितने नंबर पे आता है, 2 6 जा पे। फिर अब 6 ले लेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, 2 के टेबल में आता है, यस आता है, 2 3 जा 6, 3 यहाँ पे ले आएंगे। फिर इसको डिवाइड करेंगे, 2 के टेबल में तो नहीं आता, 3 तो हमारा 3 के टेबल में ही आएगा, तो यहाँ पे आ गया 1। तो यहाँ पे हमारा लास्ट में जब 1 आ जाए तब हम डिवाइड को स्टॉप कर देते हैं। तो देखिए, हमारे फैक्टराइजेशन मेथड से क्या आ गया हमारे पास डिवीजन मेथड से, 2 × 2 × 3, तो हमारे फैक्टर्स क्या हो गए इसमें, 2 × 2 × 3, तो ये हमारे हुए 12 के डिवीजन मेथड से फैक्टराइजेशन। आई होप आपको डिवीजन मेथड समझ आ गया होगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।